वेलकम बैक। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी यम को लेकर, यम एनर्जी फील्ड की। तो पहले तो आप बताइए, यम का नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है? ऑफ कोर्स यम का मतलब हुआ यमराज। और बताइए, मृत्यु के बारे बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, मृत्यु के देवता हैं यम। और बताइए, मृत्यु तो सच है ना, ये तो अटल है, ये तो आनी ही है, कुदरत है, और हम क्या कह देते हैं, ये तो लॉ है। तो बस यम लॉ है, इतना दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं शास्त्रों की, शास्त्रों में यानी कि ऋग्वेद में और योग शास्त्र में यम के बारे क्या दिया है। यम के बारे कहा गया है, यम देवता है जो कि एसोसिएट है विद दी रूल्स, विद दी रूल ऑफ लॉ, कर्तव्य के साथ, जिन्हें कहा गया है सेल्फ कंट्रोल्ड और कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटीज को निभाते हैं, ठीक है। और ये जो आत्मा है, जो सोल है, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जाने का कर्तव्य ड्यूटी निभाते हैं, मोह से परे हैं। मोह का क्या मतलब है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो हम यम से यानी कि यम एनर्जी फील्ड से क्या ले सकते हैं, गुण क्या इम्बाइब कर सकते हैं, हमें क्या समझ आ रहा है, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि हम एक आर्मी ऑफिसर को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। आर्मी ऑफिसर हैं, उन्हें कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद, निभाने के बाद टफ लाइफ होती है, उसके बाद जाके वो कहीं आर्मी ऑफिसर बनते हैं। उनको रिटन टेस्ट देने होते हैं, देन फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आप लगा लीजिए उनकी कुछ स्टडीज़ होती हैं और ट्रेनिंग होती है जो कि बहुत हार्ड होती है, उसके बाद भी आई डोंट नो बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, एंड देन जाकर कहीं वो एक आर्मी ऑफिसर बनते हैं। तो वो क्या कुछ करते हैं, यानी कि वो कंसिस्टेंसी से कार्य करते हैं, एक कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए यानी कि मोह को त्यागते हुए, अपनी सुख सुविधाओं से बाहर आकर यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आकर, वो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। अब इसे अगर हम अपने ऊपर लें तो, यानी कि अगर साउथ की जोन आपकी बैलेंस है, ये एनर्जी पद आपका एक्टिव है, तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, हम क्या इन्वाइट कर रहे हैं, हम इन्वाइट कर रहे हैं कि हम हर काम को कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी से करेंगे, लिंगरॉन नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे, जो करना चाहते हैं दूर दृष्टि से वो फोकस कर लेंगे कि हाँ ये करना है और उसके लिए ये मुझे कदम निभाने हैं, उठाने हैं, और फिर चलते जाएंगे बिना रुके। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए पूरे कर्तव्य नियम जो भी ड्यूटीज़ हैं वो पूरे निभाएगा, उसके लिए इफ़ एंड बट नहीं करता होगा। यही अगर इम्बैलेंस स्टेट होगी तो जो व्यक्ति है वो मोह में होगा। मोह का मतलब हुआ अननेसेसरी वो चीज़ों को इकट्ठा करता जाएगा, इवन वो क्लटर भी नहीं अपने घर से निकालेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में अगर आप स्टोर में जाएंगे तो ना जाने कितना पुराना सामान उसने इकट्ठा करके रखा होगा, चीज़ें इकट्ठी करने का उसको शौक होगा, खर्चा करता रह रहा होगा। ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं रहेगा, वो चीज़ों को पोस्टपोन करेगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ आज करनी है, आज की कल, कल की परसों होती जाएगी, वो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहेगा, जिसे कह देते हैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा। एक यहाँ पे एक साधारण सा आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कोई पर्सन है उसको हमेशा कहीं पे भी जाना है तो कार में जाना है, एसी है, धूप नहीं लगेगी, बड़ा सुख सुविधाएँ हैं। लेकिन सपोज कीजिए किसी भीड़ी सी गली में जाकर उसका ट्यूशन क्लासेस हैं, उसको जाना है, कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मेरी कार नहीं अंदर तक जाती, तो मैं ट्यूशन ही कोई और ढूंढ लूँगा। तो इस तरीके से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है, शायद वहाँ पे उसका टीचर ही बहुत अच्छा हो, लेकिन नहीं, उसे अपनी सुख सुविधा नहीं छोड़नी। विश्वकर्मा प्रकाश में हमने 16 जोन में क्या जाना था कि जो ये साउथ की जोन है वो हमें रिलैक्सेशन देती है, वो हमें रेस्ट देती है। तो रेस्ट रिलैक्सेशन से मतलब हुआ अच्छी नींद आती है, और रेपुटेशन से भी जोड़ा गया है इसे। ऐसा क्यों, देखिए वो हमें आंसर यम के एनर्जी फील्ड से मिल रहा है। यम क्या है, लॉज को फॉलो करवाने वाला। तो जब हम दिन प्रतिदिन अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करते जाएंगे, किसी के भी प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी स्टडीज़ के प्रति, अपने कार्य के प्रति, खुद के प्रति, तो हमें कोई टेंशन होंगी नहीं। तो जब सुबह से लेकर रात तक के सब काम नियम से हुए होंगे तो बिना टेंशन के रिलैक्स होकर सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। अगर ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, अगर आपको लगता है कि कर्मचारी काम सही से नहीं कर रहे, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, रुक रुक के काम हो रहा है, तो हमें इस पद की मदद लेनी चाहिए, इस पद को देख लेना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंसली परसिस्टेंटली हमारे काम कायदे से, कानून तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ
टाइमली होते रहें,